पढ़ते हैं इनवर्ट्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हम लोग क्या पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्ट्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। रिवीजन जरूर करें जो पढ़ाया जा रहा है। मैं आज ही एक बच्चे का डाउट देख रहा था, ठीक है, तो जब होमवर्क में कोई क्वेश्चन नहीं बना, मान लीजिए कि आंटू फंक्शंस, नंबर ऑफ आंटू फंक्शंस का क्वेश्चन नहीं बना, तब वो आप कॉपी में चेक कर रहे हो कि कैसे आंटू फंक्शंस पढ़ाया था सर ने, किस तरीके से होता है। हाँ, रिवीजन अलग समय करें नोट्स का, और जब होमवर्क करें तो उस समय आपको कॉपी देखने की जरूरत नहीं पड़े, आप ऐसा टेस्ट उसको करें, रिवीजन लगातार करते रहें नोट्स का, इसी पर बेस्ड है सभी। देखिए क्या पढ़ चुके हैं, पहले मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं साइन ऑफ साइन वर्स एक्स क्या होता है, x होता है फॉर एवरी x बिलोंग्स टू माइनस वन टू वन, इसका डोमेन रेंज दोनों की माइनस वन टू वन। ऐसे ही cos ऑफ cos इनवर्स x, x होता है फॉर एवरी x बिलोंग्स टू माइनस वन टू वन, ये दोनों फर्स्ट एंड सेकेंड आइडेंटिकल होते हैं। tan ऑफ tan इनवर्स x भी x है, cot ऑफ cot इनवर्स x भी x है, ये दोनों फंक्शंस भी आइडेंटिकल हैं, और ये होते हैं फॉर एवरी x बिलोंग्स टू डी लंब। ऐसे ही sec ऑफ sec इनवर्स x x है, cosec ऑफ cosec इनवर्स x भी x है, अगेन ये दोनों भी आइडेंटिकल है, और फॉर एवरी x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस वन टू वन, माइनस वन से वन का इंटरवल नहीं लेते हैं, मतलब माइनस इंफिनिटी से माइनस वन, यूनियन वन से इंफिनिटी, ये प्रॉपर्टी हमने लास्ट क्लास में देखी थी। फिर सेकेंड प्रॉपर्टी के कुछ पॉइंट्स हम देख रहे थे, इसमें फर्स्ट था हमने साइन इनवर्स साइन एक्स, साइन इनवर्स साइन एक्स, एक्स होता है जब एक्स की वैल्यू माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, और यही पाई माइनस एक्स होता है जब एक्स की वैल्यू पाई बाई टू से थ्री पाई बाई टू। इक्वालिटी यहाँ पाई बाई टू पे भी आप लगा सकते हैं, दोनों वैल्यू इक्वल है। डोमेन इसका रियल नंबर है, रेंज माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू होती, पीरियोडिक है, पीरियड है टू पाई, ऑड फंक्शन है, ये सब देखा था। तो उससे फिर क्वेश्चंस देखा जाए, साइन वर्स साइन एक्स और साइन ऑफ साइन वर्स एक्स डिफरेंट है, ये आप जुड़ गए। ऐसे ही कॉस ऑफ का कॉस इनवर्स कॉस एक्स का होता है, एक्स जब एक्स की वैल्यू जीरो से पाई है, एंड टू पाई माइनस एक्स व्हेन एक्स की वैल्यू पाई से लेकर टू पाई तक है। डोमेन रियल नंबर है, रेंज जीरो से पाई है, पीरियोडिक है, पीरियड टू पाई है, और कैसा फंक्शन होता है, इवन होता है या ऑड, इवन फंक्शन, ये पढ़ लिया था। और क्या पढ़ा था, टैन इनवर्स टैन एक्स, टैन इनवर्स टैन एक्स क्या होता है, एक्स ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, यहां तक हो गया था ना बच्चे, बोलो। यस सर। यस। इसका डोमेन याद है, मैं अपना ही रिवीजन कर रहा हूं कि आप लोग भी कुछ रिवाइज कर रहे हो। यस सर। बीस साल हो गए मुझको रिवाइज करते करते, ये अपना मैथ्स 2001 से। डोमेन r माइनस टू एन प्लस वन इंटू पाई बाई टू, आप लोग भी थोड़ा रिवाइज कर लें, रेंज माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू ओपन इंटरवल, ये फंक्शन पीरियोडिक है, पीरियड कितना होता है पाई, अच्छा जहां ग्राफ बनाया था वहीं लिख लें, इसमें नहीं लिखा था, ऑड फंक्शन, ये कैसा फंक्शन होता है, ऑड फंक्शन,
और टैन के लिए आपको क्या बताया था, थीटा माइनस एन पाई, एन इवन हो या ऑड हो हमेशा क्या होता है टैन थीटा ही, बताया था ना। बोलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं कॉट इनवर्स कॉटेक्स। ये तो उसके बाद की कौन सी प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं। अब ऐसे ही tan इनवर्स tan x की तरह ही है cot इनवर्स cot x क्या होगा x, इसकी रेंज क्या होती है cot इनवर्स की, जीरो से पाई, जब x जीरो से पाई होगा। cot x का डोमेन क्या होता है, रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई, तो ये n पाई पे डिपेंड नहीं होता, रेंज इस फंक्शन की जीरो से पाई है, पीरियड इसका पाई है cot x का, तो उसी के अकॉर्डिंग इसका पीरियड पाई होता है। अब इसी से इसका ग्राफ बना लेते हैं हम लोग, जीरो से पाई इंटरवल में कौन सी लाइन का ग्राफ बना रहे होंगे, y इज इक्वल टू x, पाई पर वैल्यू पाई, जीरो पर जीरो, उसके बाद यही ग्राफ रिपीट करेगा क्योंकि पीरियड पाई। ऐसे बनता है ग्राफ cot इनवर्स cot x। ये बताइए इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है, देख के बोलो जल्दी से। इवन इवन फंक्शन, इवन दिखाई दे रहा है सभी को या? हाँ देखिए ध्यान से, आपको का धोखा हो रहा है, वाई एक्सिस के बॉर्ड सिमेट्रिकल है क्या, नहीं है, जैसा ग्राफ इधर है वैसा ही नहीं है, ऐसे होगा तो सिमेट्रिकल होगा इस तरीके से आता, तो ऐसा नहीं है, इवन नहीं है, ओरिजिन के बॉर्ड सिमेट्रिकल नहीं है, ऑड भी नहीं है, नाइदर इवन नॉर ऑड, ना तो इवन है ही ऑड फंक्शन होता है cot इनवर्स cot x, केवल यही है जो नाइदर इवन नॉर ऑड है, बाकी सभी इवन या ऑड है इस फॉर्मेट के। जब cot में भी थीटा माइनस एन पाई, cot थीटा ही होता है tan की तरह, एन पेन हो या ऑड हो। नोट कर लिए, नेक्स्ट बचे हैं sec इनवर्स sec x एंड cosec इनवर्स cosec x। sec इनवर्स sec x जहां भी डिफाइंड है cos इनवर्स cos x के बराबर होता है, cosec इनवर्स cosec x जहां भी डिफाइंड होता है वहां sin इनवर्स sin x के बराबर होता है। मतलब sec इनवर्स sec x का क्वेश्चन है तो आप cos इनवर्स cos x को जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व कर दो, अगर डिफाइंड है वैल्यूज की आ रही है तो हमेशा cos इनवर्स cos x की ही बराबर है, कुछ वैल्यू पे डिफाइंड नहीं होता तो उनको छोड़ करके बाकी जगह cos इनवर्स cos x ही है। डोमेन देखिए इसका r माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू पे डिफाइंड नहीं होता, उनको छोड़ दीजिए तो बाकी हर जगह cos इनवर्स cos x के बराबर है, रेंज उसी करेस्पॉन्डिंग इसकी आ जाएगी जीरो से पाई जो कि cos इनवर्स cos x की थी, लेकिन ये पाई बाई टू नहीं आएगी क्योंकि पाई बाई टू करेस्पॉन्डिंग पाई बाई टू वही है cos इनवर्स cos x वाला टू पाई। इसकी वैल्यू लिखना चाहोगे sec इनवर्स sec x की तो सेम cos इनवर्स cos x का x है जब x जीरो से पाई है, और 2 पाई माइनस एक्स से जब पाई से 2 पाई, ये तो लिखा था cos इनवर्स cos x में, देखिए अभी भी रिवीजन करते हुए लिखा था, लिखा था ना x 2 पाई माइनस x, वही सेम है एक्सेप्ट यहां पर क्या है पाई बाय 2 क्योंकि पाई बाय 2 पे दिखाई नहीं, और यहां पे एक्सेप्ट 3 पाई बाय ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 बराबर, बाकी जहां डिफाइंड है cos इनवर्स cos x के ही बराबर क्योंकि sec 2 pi minus x sec x होता है, sec minus theta sec theta होता है,
ग्राफ बनाना है तो कॉस इनवर्स कॉस एक्स वाला ही ग्राफ बनेगा क्योंकि वैल्यू सेम ही है, जीरो से पाई तो कौन सी स्ट्रेट लाइन बनेगी, वाई इज इक्वल टू एक्स। फिर पाई से टू पाई, टू पाई माइनस एक्स, फिर उसके बाद ये रिपीट हो रहा है, पीरियोडिक है, ऐसे रिपीट होता जाएगा। यही तो बनाया था कॉस इनवर्स कॉस एक्स में, सेम है, बस यहाँ डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है कि रेंज में पाई बाई टू नहीं आएगा, यहाँ पाई बाई टू पे एक स्ट्रेट लाइन बनाइए, पाई बाई टू स्ट्रेट लाइन बनाइए, जहां जहां ये एक्स इस ग्राफ को कट कर रहा है उन पॉइंट्स को इस ग्राफ में से एक्सक्लूड कर दीजिए, वो पॉइंट ग्राफ में नहीं होंगे, यही है इसमें डिफरेंस, sec inverse sec x और cos inverse cos x, उससे करेस्पॉन्डिंग x की वैल्यू पाई बाई टू, थ्री पाई बाई टू, फाइव पाई बाई टू, ये सब आएगी, ये है ग्राफ sec inverse sec x, कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है, वही सेम cos inverse cos x वाला, नोट करिए, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। टू सिक्स लास्ट वन कोसेक एक्स, अगेन यहाँ भी सेम है साइन इनवर्स साइन एक्स की तरह, क्या होता है एक्स जब एक्स की वैल्यू माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, ये होता है साइन इनवर्स साइन एक्स, पाई माइनस एक्स होता है जब पाई बाई टू से थ्री पाई बाई टू तक, ये है साइन इनवर्स साइन एक्स में, डिफरेंस क्या है यहाँ, यहाँ माइनस जीरो होता है, जीरो पर वैल्यू डिफाइंड नहीं, यहाँ माइनस पाई हो जाएगा, तो एक कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स का डोमेन है r माइनस एन पाई, जीरो पाई टू पाई पर डिफाइन नहीं होगा, रेंज इसके चलते ही आ जाती माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू में से जीरो को x हटा दीजिए बस, पीरियोडिक वही है पीरियड टू पाई, ग्राफ सिमिलर टू साइन वर्स साइन x, देखिए ग्राफ माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू तक लाइन बनाएंगे, वाई इज इक्वल टू एक्स, फिर पाई माइनस एक्स, फिर ये ग्राफ रिपीट होगा, ऐसे ही बनता है साइन वर्स साइन एक्स और ऐसे ही एक कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स, जीरो ये पाई ये टू पाई एस पाई माइनस टू, ये था साइन वर्स साइन एक्स, बस इसमें क्या करना है, जहां क्योंकि तो रेंज में जीरो नहीं होता तो जहां भी ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है उन पॉइंट्स को आप में से हटा दीजिए, वही है पाई टू पाई थ्री पाई एन पाई आर माइनस एन पाई, ये कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन, नोट कर लीजिए यही ग्राफ है, टू सिक्स
नोट करिए जल्दी। देखें अभी प्रॉपर्टी नंबर थ्री, अब लिखते हैं और प्रॉपर्टीज। साइन इनवर्स में अगर माइनस एक्स लिखा हुआ, जिनकी भी रेंज माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू है, वो ऑड फंक्शन है, उनमें अगर साइन इनवर्स माइनस एक्स लिखा है तो उसको लिख सकते हैं इस बार। ऑड फंक्शन में क्या होता है, एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स, एवरी वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन टू वन, जो भी इसका डोमेन है सब में। लेकिन यही अगर कॉस इनवर्स में लिखा है माइनस एक्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, ये नाइदर इवन नॉर ऑड है, जिनकी रेंज जीरो से पाई होती है, उसमें आपको क्या लिखना है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ऐसे ही हमने वैल्यू कैलकुलेट करना भी सीखा था, पाई माइनस करके कॉस इनवर्स माइनस वन बाई टू निकालना है तो क्या करते हैं हम लोग, दैट इज पाई माइनस कॉस इनवर्स वन बाई टू, पाई माइनस पाई बाई थ्री, टू पाई बाई थ्री होता है। ऐसे टेन इनवर्स माइनस एक्स लिखना हो तो क्या होगा, माइनस टेन इनवर्स, जो भी इसका डोमेन है फॉर एवरी रियल नंबर। कॉट इनवर्स माइनस एक्स, लेकिन माइनस कॉट इनवर्स एक्स नहीं होगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, इसकी रेंज जीरो से पाई होती है, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। सेक इनवर्स माइनस एक्स क्या होगा, रेंज जीरो से पाई वाला पार्ट है, तो पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, माइनस वन से वन। कोई डाउट है, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स माइनस कोसेक इनवर्स एक्स होगा, जिनकी रेंज माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू है, वे ऑड फंक्शन है, उसमें माइनस बाहर आ जाएगा साइन वर्स टाइन वर्स कोसेक इनवर्स में, और बाकी कॉस इनवर्स कॉट इनवर्स सेक इनवर्स जिनकी रेंज जीरो से पाई है, वो नाइदर इवन नॉर ऑड है, पाई माइनस उसमें आएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? टेस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, वैसे तो सभी बेसिक प्रॉपर्टीज हैं इंपॉर्टेंट हैं, फोर्थ जिसमें एक काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिस पर क्वेश्चंस आते हैं, साइन वर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, इसकी वैल्यू पता है किसी को, क्या होती है, पाई बाई टू, क्या होती है, पाई बाई टू फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन टू वन। x अगर माइनस वन से वन है तो साइन वर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स होता है पाई बाई टू। कैसे भाई, अगर कोई कहे कि इसको प्रूफ करिए कि साइन वर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई टू होगा, तो साइन इनवर्स एक्स को ज़ूम कर लीजिए, लड़ा है ज़ूम, अल्फा है, थीटा है, बीटा है, तो यहां से अल्फा कितना होगा, जब एक्स माइनस वन से वन होगा तो माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू हो गया, दोनों तरफ इसका अगर हम साइन ले लें, साइन ऑफ साइन वर्स एक्स बराबर साइन अल्फा हुआ, साइन ऑफ साइन वर्स एक्स क्या हो गया, एक्स हो गया, साइन ऑफ साइन वर्स एक्स तो एक्स ही होता है, और साइन को अल्फा को, अब अगर हम लोग कॉस पाई बाई टू माइनस अल्फा लिख दें तो ठीक है, दोनों तरफ अब कॉस इनवर्स ले तो कॉस इनवर्स एक्स
बराबर कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई टू माइनस अल्फा, देखिए कॉस इनवर्स कॉस इनवर्स कॉस एक्स, एक्स कब होता है जब ये जो एक्स की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक हो, जीरो से पाई हो, अल्फा माइनस पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू है, माइनस अल्फा भी माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू होगा, तो पाई बाई टू माइनस अल्फा कितना हो जाएगा यहाँ से, जीरो से पाई, और जीरो से पाई में तो ये इसकी रेंज में हो गए, रेंज में है तो डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हो, इसको ले सकते हो पाई बाई टू माइनस अल्फा। अब इस अल्फा को ले आओ एलएचएस में और अल्फा के प्लेस पर वापस क्या लग रो, अल्फा किस पर जुम गए थे साइन वर्स एक्स, अल्फा की जगह रखो साइन वर्स एक्स, तो हो गया साइन वर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू, ऐसे प्रूव कर सकते हो। वैसे प्रूव नहीं पूछा जाएगा, क्वेश्चंस इस पर बेस्ड आएंगे तो याद होना चाहिए, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन होता है, आइडेंटिटी याद है सभी को, वैसे ये एक आइडेंटिटी है लेकिन इसके डोमेन में माइनस वन से वन कोई भी वैल्यू रखिए, साइन वर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स हमेशा पाई बाई टू होगा। और इसी टाइप की प्रॉपर्टीज हैं टैन और कॉट में भी, टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स भी पाई बाई टू होगा, और एवरी एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन टू वन, तो ऐसे ही कर सकते हैं फोर्थ किया है। और ठीक इसी तरह से सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स भी पाई बाई टू होता है। और एवरी एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन टू वन, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग प्रॉपर्टी फाइव, फर्स्ट अच्छा एक्स अगर ग्रेटर देन जीरो हो तो जितने भी हैं साइन इनवर्स हो कॉस इनवर्स हो टैन इनवर्स हो ये सब कहाँ आते हैं, जीरो से पाई बाई टू में आते, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, सबकी रेंज क्या है माइनस, देखिए तीन की रेंज है माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, पॉजिटिव होते हैं तो जीरो से पाई बाई टू होता है, और जीरो से पाई उनमें भी पॉजिटिव हो तो जीरो से पाई बाई टू होता है, नेगेटिव में अलग अलग होता है, नेगेटिव में तीन में आएगा माइनस पाई बाई टू से जीरो साइन वर्स टैन इनवर्स एंड कोसेक इनवर्स में, और रिमेनिंग थ्री में आएगा जी पाई बाई टू से पाई, लेकिन एक्स अगर ग्रेटर देन जीरो है तो सभी जीरो से पाई बाई टू में फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ताकि साइन वर्स एक्स लिखा हो तो इस साइन वर्स को आप कॉट इनवर्स टैन इनवर्स किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हो, एक्स ग्रेटर देन जीरो है तो डायरेक्ट कर सकते हो, लेस देन जीरो है तो साइन इनवर्स माइनस एक्स वाला फॉर्मूला लगा करके ये माइनस वाला है पहले प्लस कर लो उसके बाद कन्वर्ट कर सकते हो, एक्स ग्रेटर देन जीरो है तो जैसे कि मान लीजिए साइन वर्स एक्स को आपने ले लिया थीटा, साइन थीटा कितना हो गया एक्स एक्स बाई वन, इसको लिख दिया ये क्या है परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेनस, अब इसे कॉस थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा कुछ भी ले सकते हो, तो यहाँ इनवर्स में भी आप यही अंदर समझ लिया करो इसका मतलब साइन इनवर्स एक्स अपान वन है, तो एक्स जो है ये परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेनस कितना हो गया वन, तो बेस कितना हो गया बताइए रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो इससे आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो कॉस इनवर्स में क्या होगा बेस अपान हाइपोटेनस, टैन इनवर्स में क्या होगा परपेंडिकुलर अपान बेस, कॉट इनवर्स में बेस अपान परपेंडिकुलर, सेक इनवर्स में हाइपोटेनस अपान बेस, कोसेक इनवर्स हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर, मतलब कोई भी एक दिया हो साइन इनवर्स दिया हो या कॉस इनवर्स या टैन इनवर्स तो उसको दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी एक को, ताकि अगर टैन इनवर्स एक्स लिखा है एक्स ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए बस इस बात का, अगर टैन इनवर्स एक्स लिख दे तो इससे भी सारे लिख सकते हैं जैसी जरूरत है क्वेश्चन पे उसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, अब टैन इनवर्स एक्स लिखा दो यहाँ आप परपेंडिकुलर देखोगे एक्स हो गया
एक्स हो गया, इसे लिखोगे टैन इनवर्स एक्स बाई वन। बेस कितना हो गया वन, तो हाइपोटेन्यूस कितना हो गया रूट ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब लिख लो साइन इनवर्स में लिखना है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, कॉस इनवर्स में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, साइन इनवर्स तो एक्स ही, कॉट इनवर्स में बेस परपेंडिकुलर, सेक इनवर्स हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, कोसेक इनवर्स बेस हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। कर सकते हैं किसी में भी कन्वर्ट, बोलिए कोई डाउट है? तो यहां से आप देख रहे हैं साइन इनवर्स एक्स कोसेक इनवर्स वन बाई एक्स, साइन इनवर्स टैन इनवर्स कोसेक इनवर्स की रेंज क्या होती है? माइनस पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू वाली। तो इनको अगर आपस में कन्वर्ट करना हो तो आप निगेटिव में भी डायरेक्ट कर सकते हो कन्वर्ट, निगेटिव हो तो भी, क्योंकि रेंज जहां पे सेम है वहां पे डायरेक्ट भी कन्वर्ट किया जाता है। उसी से आप देखिए कि प्रॉपर्टी नंबर सिक्स है, अगर उसको साइन इनवर्स एक्स को लिखना हो कोसेक इनवर्स वन बाई एक्स लिख सकते हैं, इवन एक्स नेगेटिव है तो भी लिख सकते हैं, एक्स माइनस वन से वन कोई वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए डिनोमिनेटर, अदरवाइज डिफाइन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों की ही रेंज माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, या कोसेक इनवर्स एक्स लिखा है तो उसके प्लेस पर आप लिख सकते हो साइन इनवर्स वन बाई एक्स। एक्स यहाँ क्या हुआ, लेस देन माइनस वन और ग्रेटर देन वन, जो डोमेन है कोसेक इनवर्स एक्स। ऐसे ही कोस इनवर्स एक्स लिखना है तो आप सेक इनवर्स वन बाई एक्स लिख सकते हो, एक्स माइनस वन से वन एक्सेप्ट जीरो, और सेक इनवर्स एक्स को कोस इनवर्स वन बाई एक्स लिख सकते हो, x less than minus 1 or greater than 1. cos inverse sec inverse की रेंज क्या है? सेम 0 से पाई वाला ही पार्ट। और फिर ऐसे ही लास्ट ये बताइए tan inverse को कैसे क्या ले सकते हैं? और फिर ये बोलिए कौन बताता है tan inverse x को क्या लिखेंगे? cot inverse and y cot inverse क्या लिखे होता 1 by x cot inverse 1 by x अभी ना tan inverse x cot inverse 1 by x ये तो हुआ, लेकिन नहीं हमेशा नहीं होगा। क्यों? इसकी रेंज और इसकी रेंज अलग अलग, ग्रेटर देन 0 लो तो रेंज ठीक है सेम है 0 से पाई बाई तब लिख सकते हो, लेकिन लेस देन 0 में ये नहीं लिख सकते। क्यों? इसकी रेंज होती है cot inverse की 0 से पाई, पॉजिटिव में तो ठीक है दोनों 0 से पाई बाई 2 थे, नेगेटिव में ये हो गया माइनस पाई बाई 2 से 0, लेकिन cot inverse 1 बाई एक्स लिखोगे तो वो क्या हो जाएगा बताओ? वो हो जाएगा पाई बाई 2 से पाई, तो ये माइनस पाई बाई 2 से भी 0 कब, प्लस माइनस पाई लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? माइनस पाई इसमें ऐड करिए, देखो माइनस पाई ऐड करते ही क्या बन जाएगा, माइनस पाई बाई टू से जीरो रेंज सेम बन जाएगी, तो ये बनता है माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स वन बाई एक्स। थर्ड चेंज हो रहा है तो उसका ध्यान अलग से रखें। ऐसे ही अगर कॉट इनवर्स एक्स लिखना हो तो क्या लिखेंगे? टैन इनवर्स वन बाई एक्स, एक्स ग्रेटर देन जीरो में कोई डाउट नहीं है डायरेक्ट लिख सकते हो, लेकिन लेस देन जीरो हुआ तो क्या हो जाएगा? ये माइनस पाई एक तरफ सुधर गया तो बन जाएगा पाई प्लस टैन इनवर्स वन बाई एक्स। नोट करिए, ध्यान रखें इसका। कुछ क्वेश्चंस करते हैं और प्रॉपर्टीज उसके बाद पढ़ते हैं।
फोर साइन वर्स एक्स क्या लिखिए लिखिए थ्री साइन वर्स एक्स प्लस साइन वर्स एक्स ऐसे लिखते हैं प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या फायदा हुआ ऐसे लिखने का साइन वर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था वो लग जाएगा तो फॉर्मूला लगाइए तो थ्री साइन वर्स एक्स प्लस ये वैल्यू बन गई पाई बाई टू बराबर थ्री पाई बाई फोर यहां से आ गया थ्री साइन वर्स एक्स बराबर पाई बाई फोर साइन वर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई ट्वेल्व एक्स बराबर साइन पाई बाई ट्वेल्व साइन फिफ्टीन डिग्री दैट इज रूट थ्री माइनस वन अपॉन टू रूट थ्री माइनस वन अपॉन टू रूट ये आंसर होता है साइन फिफ्टीन डिग्री की वैल्यू कोई प्रॉब्लम फर्स्ट के सॉल्यूशन में बताइए किसी को कोई डाउट है नो सर क्लियर अगला क्वेश्चन करें वेरी सिमिलर कॉन्सेप्ट का है जो है फर्स्ट किया है उसी कॉन्सेप्ट से सेकंड होगा फाइंड एक्स इफ एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करें प्लस थ्री कॉट इनवर्स एक्स is equal to 7 pi by 4 तो वैसे इसको कर ले इसको लिख लीजिए टू टैन इनवर्स एक्स प्लस थ्री टैन इनवर्स एक्स प्लस थ्री कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू सेवन पाई बाई फोर ऐसे लिख दें फाइव कॉट टैन इनवर्स एक्स बनाइए और बताइए आंसर क्या आ रहा रूट टू माइनस टू बराबर हो गया सेवन पाई बाई फोर तो ये आ जाएगा टू टाइन वर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई फोर टाइन वर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई एट तो x बराबर tan पाई बाई एट tan पाई बाई एट कितना होता है रूट टू माइनस वन tan पाई बाई एट की वैल्यू होती है रूट टू माइनस वन नेक्स्ट लिखिए क्वेश्चन नंबर थ्री तो वापस ये डोमेन का क्वेश्चन करते हैं फाइंड डोमेन ऑफ एफ एक्स बराबर वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एल एन कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एल एन कॉट इनवर्स एक्स
स्क्वायर रूट के अंदर की क्वांटिटी क्या लिखेंगे? ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो लिखते हैं, डिनोमिनेटर में तो केवल ग्रेटर देन जीरो लिखेंगे, लॉग हटाएंगे तो कॉट इनवर्स एक्स क्या हो गया? ग्रेटर देन वन। कॉट इनवर्स डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं एक्स लेस देन कॉट वन, या फिर ग्राफिकली आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कॉट इनवर्स एक्स वन से ग्रेटर, वाई इज इक्वल टू वन, वन से ग्रेटर, इस पार्ट में वन से ग्रेटर होगा, इस पूरे पार्ट में वन कब होगा? कॉट इनवर्स एक्स बराबर वन, मतलब एक्स बराबर कॉट वन, तो उससे लेस हो तो एक्स की वैल्यू लेस देन कॉट वन, तो यही डोमेन आ गया माइनस इनफिनिटी से लेकर कॉट वन। बोलिए कोई प्रॉब्लम है तो। थर्ड में क्वेश्चन नंबर थ्री, कोई डाउट कीजिए वो। फोर्थ लिखिए, फाइंड इंटीग्रल सॉल्यूशन, इंटीग्रल सॉल्यूशन मतलब इंटीजर सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी, ऑफ द इनइक्वालिटी 3x स्क्वायर प्लस 8x लेस देन 2 साइन इनवर्स साइन 4 माइनस कॉस इनवर्स कॉस 4 एंड इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी, इस इनइक्वालिटी के इंटीजर सॉल्यूशन। हो गया, करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर। माइनस वन, कोई डाउट हो तो पूछिए। फोर्थ माइनस वन, वेरी गुड, सही है। साइन वर्स साइन फोर की वैल्यू क्या होगी? ये किस मल्टीपल पाई के आसपास है? पाई, पाई माइनस फोर, तो इसकी वैल्यू होगी पाई माइनस फोर। और कॉस इनवर्स कॉस फोर की वैल्यू कितनी होगी? पाई से ग्रेटर हो गया तो आ गया टू पाई माइनस फोर, कॉस टू पाई माइनस थीटा कॉस थीटा था, ये टू पाई कैंसिल होगा, माइनस फोर प्लस फोर माइनस फोर, ये आ गया थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स प्लस फोर लेस देन जीरो, फैक्टराइज हो जाएगा एक्स को क्या ले लें, सिक्स एक्स प्लस टू एक्स, तो 3x प्लस 2 इंटू x प्लस 2, रियल नंबर लाइन सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू माइनस 2 से कहां तक आ गई? माइनस 2 बाई 3 तक, देखिए रियल नंबर लाइन पे माइनस 2 माइनस 2 बाई 3 प्लस माइनस और फिर प्लस नेगेटिव चाहिए। अब इसके बीच में इंटीजर सॉल्यूशन, इंटीजर कौन सी वैल्यू होगी माइनस 2 और माइनस 2 बाई 3 के बीच में? माइनस 1 आएगी केवल, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर फोर में फाइव, ओके, फाइंड कॉस इनवर्स कॉस 10 पाई अपॉन 7, कॉस इनवर्स कॉस 10 पाई अपॉन 7, फोर पाई बाय सेवन, फोर माइनस फोर पाई बाय सेवन, यस सर,
सही है cos 4 पाई बाय 7। देखिए पाई से ग्रेटर रेंज क्या होती है, जीरो से पाई। तो आप देख लीजिए किस पाई के मल्टीपल के आसपास है, उसके अकॉर्डिंग ब्रेक कर लीजिए, या फिर पाई में ही है तो आप धीरे धीरे भी एंगल को कम कर सकते हैं। तो डायरेक्ट लिखे 2π - 10π/7, सही है 4π/7। लेकिन अगर किसी ने ऐसे मिस्टेक कर दी 5 + 3π/7 लिख करके, या ऐसे स्टार्ट करने लगा, तो भी वो आंसर लास्ट में सही आएगा अगर कॉन्सेप्ट आप ठीक लगा रहे हैं। 1, 2, 3 ऐसे दिया हुआ हो तो फिर पाई एग्जैक्ट देखिए किस पाई के मल्टीपल के आसपास। इसमें तो आप थोड़ा रिड्यूस भी कर दोगे तो भी बन जाएगा। देखो कॉस इनवर्स कॉस पाई प्लस थीटा कितना होता है, माइनस कॉस थीटा। बस कॉन्सेप्ट सही लगना चाहिए। और कॉस इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। और कॉस इनवर्स कॉस एक्स, एक्स हो जाता है जब इंटरवल जीरो से पाई हो, तो अब जीरो से पाई है तो कितना हो जाएगा 3π/7। पाई माइनस 3π/7, ऐसे भी आंसर आ जाएगा। बस आप इसको रिड्यूस करो, पहले छोटे एंगल में लेकर के आओ, जीरो से पाई बाई टू या जीरो से पाई वाले एंगल में लेकर के आए, फिर आप देख लीजिए प्रॉपर्टीज के कारण। साइन वर्स अगला लिखिए, साइन वर्स साइन 35π/11, साइन वर्स साइन 35π/11। सर माइनस 2π/11, 35 11 से डिवाइड करो कितना आएगा, 33 इंटीजर बनेगा, इसको ले सकते हो 3π + 2π/11। ऐसे हम लेंगे 33 + 2, 35π/11 हो गए। साइन 3π + थीटा इस क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव साइन, माइनस साइन 2π/11। अब साइन वर्स माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन वर्स, माइनस बाहर लिख सकते हो। और साइन वर्स साइन एक्स, एक्स ही हो जाता है जब ये रेंज में हो, अब ये रेंज में है माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू की रेंज में, आपने कैंसिल कर दिया। आगे आंसर ये है -2π/11, ये आ रहा था, ये आ रहा है ना आपका -2π/11। गुड, यह देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं, cot इनवर्स cot 26π/5। cot इनवर्स cot 26π/5। सर पाई बाय फाइव, पाई बाय फाइव, यस सर, ठीक सही। cot इनवर्स cot फाइव से ऐड करेंगे 25 पर, फाइव पाई प्लस पाई बाय फाइव से लिख सकते हो, देखते हैं क्या। देखिए जब लेंगे 25 + 1 26, और cot n पाई प्लस थीटा, cot थीटा ही होता है। अब ये रेंज में है, कैंसिल करो 5/5, ये आंसर आ गया। बताओ 8 लिखिए, फाइंड साइन इनवर्स cos 33π/10। साइन इनवर्स cos 33π/10,
क्वेश्चन नंबर एट। कैसे करोगे साइन इनवर्स कॉस 33 पाई बाय 10 फिर साइन में बदल के जाए इसको साइन में बदल सकते हो बाद में पहले स्मॉलर एंगल में चेंज कर लो ऐसे लिख लो कॉस 3 पाई प्लस 3 पाई बाय 10 या साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हो क्या लिख सकते हो पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स यस सर साइन पर x प्लस कॉस इनवर्स x पाई बाय 2 होता है ना उसे कर सकते हो cos 3 pi plus theta कितना हो गया minus cos 3 theta minus third quadrant minus बाहर आ गया minus sin inverse cos 3 pi by 10 अब cos को sin में कैसे लिखते हैं sin pi by 2 minus 3 pi by 10 क्या होगा sin pi by 2 minus theta cos theta ही तो होता है cos को sin में convert कर दिया जिससे sin और sin cancel हो उसका अब ये रेंज में है पाई बाय 2 से तो लेस होगा ना माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 तो माइनस एलसीएम ले लो 10 5 माइनस 3 2 पाई बाय 10 2 कैंसिल हुआ माइनस पाई बाय 5 ये आंसर हो गया बताओ एट्थ में कोई प्रॉब्लम 9 फाइंड द वैल्यू ऑफ sec square tan inverse 2 plus cosec square cot inverse 3 बताइए जल्दी से आंसर नाइन्थ सर 15 15 गुड वेरी गुड ये टेन इनवर्स टू जो है मान ये अल्फा होता से कि स्क्वायर अल्फा चल सकते ये तो मामला होता है वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा सेक स्क्वायर अल्फा लिखा है तो वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा अल्फा की जगह टैन इनवर्स 2 लिखा है तो टैन इनवर्स 2 लिख दिया ऐसे ही मान लीजिए कोसेक स्क्वायर बीटा लिखा है तो कोसेक स्क्वायर बीटा को 1 प्लस कॉट स्क्वायर बीटा लिख सकते हो बीटा क्या है कॉट इनवर्स 3 टैन ऑफ टैन इनवर्स 2 क्या होता है टैन ऑफ टैन इनवर्स x ऑलवेज x होता है टैन इनवर्स टैन में कंडीशन होती है पाई माइनस 2 आएगा इस तरह से 2 माइनस पाई आएगा टैन इनवर्स टैन 2 होता तो टैन ऑफ टैन इनवर्स 2 ऑलवेज 2 cot of cot inverse 3 always 3 तो यहाँ स्क्वायर है तो दिस होल स्क्वायर हुआ इसका मतलब इसका क्या मतलब है दिस होल स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा का मतलब tan थीटा का होल स्क्वायर ये बन गया 1 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 9 कितना आंसर आ गया 15 बताइए कोई प्रॉब्लम है 9th में 10 find range of सभी लोग ट्राई करिए बस एक ही बच्चे की आवाज आ रही है बार बार क्वेश्चन करके अगर आप बाद में भी कर रहे हैं तो भी बताएं कोशिश करें सॉल्व करने की और आंसर बताने की कोशिश करें find range of
fx बराबर sin वर्स x प्लस cos वर्स x प्लस tan वर्स x, इस फंक्शन की रेंज कैलकुलेट करनी है। सर सर जीरो टू पाई, जीरो से पाई, नहीं ये सही नहीं आंसर है। हाँ और कोई बात नहीं, नहीं सही है तो बताया जाएगा, लेकिन ट्राई करें और बताएं। लेकिन जो ट्राई करेंगे उन्हीं से ही मिस्टेक होगी या नहीं हो, और उससे सर जीरो से पाई बाय टू माइनस सर पाई बाय फोर कॉमा थ्री बाय फोर पाई बाई फोर से थ्री पाई बाई फोर, ये आंसर सही है। कैसे आता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स को क्या लिख दिया, पाई बाई टू आपने लिख दिया। लेकिन इस बात का ध्यान रखेंगे यहाँ, इसका डोमेन क्या है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स वन तो लिख दिया, इसका डोमेन है माइनस वन से वन, माइनस वन से वन रियल नंबर, कॉमन वैल्यू क्या हुई माइनस वन से वन, तो एक्स माइनस वन से वन में ही आप बात कर सकते हैं, इसका डोमेन माइनस वन से वन है, आप कुछ भी नहीं रख सकते, टू रख देंगे साइन वर्स टू प्लस कॉस वर्स टू डिफाइन नहीं होगा। तो जब एक्स माइनस वन से वन है उस समय टैन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो टैन इनवर्स एक्स की यहाँ पे कंप्लीट रेंज नहीं आ रही है, माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू, tan इनवर्स x की रेंज केवल tan इनवर्स माइनस वन, माइनस पाई बाई फोर से प्लस पाई बाई फोर तक ले सकते हैं, और इसमें पाई बाई टू ऐड करेंगे तो पाई बाई टू प्लस tan इनवर्स x कितना हो गया, पाई बाई टू माइनस पाई बाई फोर पाई बाई फोर, और पाई बाई टू प्लस पाई बाई फोर थ्री पाई बाई फोर, ये रेंज है। तो इस फंक्शन की रेंज है पाई बाई फोर टू थ्री पाई बाई फोर। क्वेश्चन नंबर टेन, इसके बाद इलेवेंथ क्वेश्चन लिखिए, टेंथ था ना, इलेवेंथ लिखे फाइंड रेंज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल साइन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स एक्स प्लस sec इनवर्स x, sin इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस sec इनवर्स x, क्या आएगा आंसर, साइन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स। अगेन बेटर क्या है, पहले डोमेन निकाल लीजिए, तो इस बार तो कोई प्रॉपर्टी लग नहीं रही, साइन इनवर्स एक्स कब डिफाइंड है माइनस वन से वन, एंड टैन इनवर्स एक्स रियल नंबर, एंड sec इनवर्स x लेस देन माइनस वन आर ग्रेटर देन वन, पाई बाय फोर से थ्री पाई बाय फोर, पाई बाय फोर से थ्री पाई बाय फोर, पाई बाय फोर कॉमा थ्री पाई बाय फोर, केवल दो वैल्यू आएंगे, एक होगी पाई बाय फोर और दूसरी होगी थ्री पाई बाय फोर, यस x, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर डोमेन पहले माइनस वन से वन यहाँ है, लेकिन इसमें माइनस वन से वन नहीं आ रहा है, वन से ग्रेटर लोगे तो ये डिफाइंड नहीं होगा साइन वर्स, माइनस वन से लेस होगे तो ये डिफाइंड नहीं आएगा साइन वर्स,
और माइनस वन और वन के बीच में लेंगे तो सेक इनवर्स डिफाइंड नहीं होगा, केवल ये दोनों तभी डिफाइंड है जब डोमेन क्या हो माइनस वन हो एंड प्लस वन, इनमें कॉमन वैल्यू केवल दो वैल्यू, तो इस फंक्शन का डोमेन केवल यही दो वैल्यू है माइनस वन एंड प्लस वन। तो रेंज निकालने के लिए एक बार इसमें माइनस वन रखिए एफ ऑफ माइनस वन और एक बार वन रखिए, माइनस वन रखेंगे साइन इनवर्स माइनस वन प्लस टेन इनवर्स माइनस वन प्लस सेक इनवर्स माइनस वन। साइन इनवर्स माइनस वन होता है माइनस पाई बाई टू, टेन इनवर्स माइनस वन माइनस पाई बाई फोर, सेक इनवर्स माइनस वन हुआ पाई, ये आ गया पाई बाई फोर। ऐसे इसमें वन रखेंगे साइन इनवर्स वन आएगा पाई बाई टू, टेन इनवर्स वन पाई बाई फोर, सेक इनवर्स वन जीरो, कितना हो जाएगा थ्री पाई बाई फोर। यही दो वैल्यू है रेंज में, एक वैल्यू है पाई बाई फोर और दूसरी वैल्यू है थ्री पाई बाई फोर। बोलिए कोई प्रॉब्लम है? क्वेश्चन नंबर 11 12 Find x satisfying the equation tan inverse x minus x cube upon 4 plus x power 5 upon 16 minus x minus x cube by 4 plus x power 5 upon 16 माइनस सो अप टू इनफिनिट टर्म्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस एक्स क्यूब बाय फोर अप टू इनफिनिट टर्म्स इज इक्वल टू पाई बाय टू और जीरो लेस देन मॉड एक्स लेस देन टू। एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करें जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ये देखिए अगर ऐसा लिखा हो tan इनवर्स अल्फा प्लस cot इनवर्स बीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू क्या होता है, देन अल्फा बीटा बराबर होंगे तभी ऐसा होगा। tan इनवर्स अल्फा प्लस cot इनवर्स अल्फा बराबर आ सकता है पाई बाई टू, या उधर ले जाओ पाई बाई टू माइनस tan इनवर्स अल्फा को क्या ले दोगे cot इनवर्स अल्फा बराबर cot इनवर्स बीटा। इनवर्स जो होते हैं वन वन फंक्शंस होते हैं इस तरह के, तो अल्फा बराबर बीटा हो, तो ऐसा तभी हो सकता है जब ये दोनों टर्म आपस में इक्वल हो तो ही पाई बाई टू आ सकती है। ठीक है, तो देयरफॉर जब भी ऐसे रिलेशन लिखी है तो ये दोनों इक्वेट कर लीजिए। ये दोनों सम इक्वल होनी चाहिए। ये क्या बन रही है, जीपी बन रही है? ये दो जीपी है, इस फर्स्ट एलएचएस की जीपी का सम क्या होगा ए अपान वन माइनस आर, कॉमन रेशियो कितना हुआ माइनस एक्स बाई फोर, स्क्वायर बाई फोर हो गया, और ऐसे ही यहाँ भी ए अपान वन माइनस आर एक्स बाई टू हो गया। एक्स एक्स कैंसिल कर सकते हो क्योंकि एक्स जीरो नहीं है, क्वेश्चन में जो दिया है ओपन इंटरवल जीरो से टू लिखा है मॉड एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो वन माइनस एक्स बाई टू बराबर वन प्लस एक्स स्क्वायर बाई फोर,
वन कैंसिल हुआ, फोर इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो एक्स स्क्वायर बराबर माइनस टू एक्स, तो एक्स बराबर जीरो और माइनस टू। लेकिन ये जीरो भी नहीं हो सकता और माइनस टू भी नहीं हो सकता क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है सिंस मॉड एक्स इज जीरो टू टू, तो ये दोनों ही सॉल्यूशन नहीं ले सकते, देयरफॉर नो सॉल्यूशन। अगर जीरो के इक्वल लिखा होता क्वेश्चन में इनइक्वालिटी में तो इक्वल टू जीरो आ जाता आंसर, जीरो। ये हमेशा देखिए कि tan इनवर्स अल्फा प्लस cot इनवर्स बीटा बराबर अगर पाई बाय टू लिखा तो फॉर्मूला होता है tan इनवर्स अल्फा प्लस cot इनवर्स अल्फा इज इक्वल टू पाई बाय टू, तो ये तभी होगा जब अल्फा और बीटा आपस में इक्वल हो। तो बस इन दोनों टर्म को इक्वेट कर लीजिए, इन दोनों टर्म को इक्वल कर दिया और यहाँ gp के सम का फॉर्मूला लग गया, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन a अपॉन 1 माइनस r इनफिनिट gp के, उसको सॉल्व किया x की वैल्यू आ रही 0 माइनस 2, लेकिन ये गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है, देयरफॉर नो सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन 13 लिखिए, फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स होल क्यूब प्लस कॉस इनवर्स एक्स होल क्यूब, फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन साइन इनवर्स एक्स क्यूब प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्यूब। इस एक्सप्रेशन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कैसे सॉल्व करेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला पता होता है, उससे पहले इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, लेट अस अज्यूम ये एफ एक्स है, क्या ले सकते हैं इसे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को ए प्लस बी का होल क्यूब अगर मैं लिख रहा हूँ तो माइनस क्या लिखना पड़ेगा, इसमें आएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी, तो थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी यहां पर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। देखो क्या सर साइन वर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स कितना होता है पाई बाय टू, इसकी वैल्यू रखिए पाई बाय टू का क्यूब पाई क्यूब पाई एट माइनस इसकी वैल्यू रखिए पाई बाय टू, ये हो गया थ्री पाई बाय टू। अब साइन वर्स एक्स या कॉस इनवर्स एक्स दो अलग अलग टर्म है, उनको किसी एक में चेंज कर लिया क्योंकि हमें पता है साइन वर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है पाई बाय टू, तो आप या तो साइन वर्स एक्स को कन्वर्ट कर लीजिए कॉस इनवर्स में, ऐसे लिख दिए पाई बाय टू माइनस वर्स, या कॉस एक्स को कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी एक को करना है दोनों को नहीं। अब ये टर्म पूरी तरह कॉस इनवर्स में आ गया,
लेट कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू टी, टी की रेंज क्या होगी, जीरो से पाई, कॉस इनवर्स की रेंज मल्टीप्लाई करिए, ये बन जाएगा पाई क्यूब बाई एट माइनस थ्री पाई स्क्वायर बाई फोर इंटू टी प्लस टी थ्री पाई बाई टू इंटू टी स्क्वायर। थ्री पाई बाई टू बाहर ही रहने क्या, चलो अगले टर्म में लिख लेंगे थ्री पाई बाई टू इंटू टी स्क्वायर, यहां से थ्री पाई बाई टू कॉमन ले लीजिए बन जाएगा टी स्क्वायर माइनस पाई अपॉन टू टी। इसकी रेंज लिखनी है, क्वाड्रेटिक है टी में, तो रेंज लिखने के लिए क्या करिए, परफेक्ट स्क्वायर बना लीजिए, रेंज मतलब मिनिमम से मैक्सिमम, वही मिनिमम मैक्सिमम पूछा गया क्वेश्चन में, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा ये बताइए, टी माइनस पाई बाई फोर का होल स्क्वायर, टी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो माइनस टू इंटू पाई बाई फोर पाई बाई टू टी प्लस पाई स्क्वायर बाई सिक्सटीन, तो हमें क्या करना पड़ेगा माइनस पाई स्क्वायर बाई सिक्सटीन, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए पाई स्क्वायर बाई सिक्सटीन एड और सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत है क्या सर बताइए, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां से आ गया थ्री पाई बाई टू टी माइनस पाई बाई फोर का स्क्वायर, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यह जाएगा माइनस थ्री पाई क्यूब अपॉन थर्टी, यहाँ है पाई क्यूब अपॉन एट, इसको आप फोर पाई अपॉन थर्टी टू भी ले सकते हो, फर्स्ट और लास्ट से क्या मिल गया फोर पाई क्यूब बाई थर्टी टू माइनस थ्री पाई क्यूब बाई थर्टी टू, पाई क्यूब बाई थर्टी टू प्लस थ्री पाई बाई टू इंटू टी माइनस पाई बाई फोर का होल स्क्वायर, पहले ऐसे बना लें, क्वाड्रेटिक को परफेक्ट स्क्वायर बनाइए रेंज लिखने के लिए, अब हम इससे यहां से रेंज लिख सकते हैं, उसी से मिनिमम मैक्सिमम आएगा, ठीक है, टी की वैल्यू कितनी है जीरो से पाई, यहां से टी माइनस पाई बाई फोर कितना हो जाएगा, पाई बाई फोर से माइनस करो तो माइनस पाई बाई फोर से थ्री पाई बाई फोर होगा, इसका स्क्वायर कर दीजिए, जब माइनस से प्लस हो तो स्क्वायर क्या होता है, बीच में वैल्यू आएगी जीरो, तो मिनिमम वैल्यू स्क्वायर की होती है जीरो, मैक्सिमम कितना हो जाएगा नाइन पाई स्क्वायर बाई सिक्सटीन, अब इसमें थ्री पाई अपॉन टू से मल्टीप्लाई करें थ्री पाई बाई टू इंटू जीरो जीरो, ये कितना हो गया ट्वेंटी सेवन पाई क्यू बाई थर्टी टू, अब इसे पाई क्यूब बाई थर्टी टू ऐड कर दीजिए, पाई क्यूब बाई टू जैसे ही ऐड करेंगे पाई क्यूब बाई थर्टी टू प्लस ये क्वांटिटी, ये बन जाएगा पाई क्यूब बाई थर्टी टू जीरो प्लस, और इधर बनेगा ट्वेंटी सेवन प्लस वन ट्वेंटी एट पाई क्यूब बाई थर्टी टू, यही अपेक्स है, तो मिनिमम कितना हो गया पाई क्यूब बाई थर्टी टू एंड मैक्सिमम 28 pi cube by 32, that is 7 pi cube by 8, तो करेंगे ये आंसर है, देख लीजिए स्टार्टिंग में क्या किया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स तो हो गया पाई बाई टू, उसके बाद साइन इनवर्स कॉस इनवर्स एक्स तो अलग अलग थे तो उनको एक में ही कन्वर्ट किया, साइन इनवर्स एक्स को लिया पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स को टी लिया मल्टीप्लाई किया तो ये टी में क्वाड्रेटिक बन गई, टी में क्वाड्रेटिक है, मिनिमम मैक्सिमम लिखना है तो परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, तो टी वाले जो टर्म है उनको परफेक्ट स्क्वायर बना लीजिए, प्लस या माइनस में कांस्टेंट बचना चाहिए,
प्लस, तो उसको सिंप्लीफाई किया। उसके बाद टी की रेंज हमें पता है कॉस इनवर्स की जीरो से पाई है, इसमें माइनस पाई बाई फोर सब्ट्रैक्ट करके स्क्वायर कर दिया, उसमें थ्री पाई बाई टू से मल्टीप्लाई किया और पाई क्यूब बाई 32 ऐड कर दिया, रेंज आ गई। यही है मिनिमम टू मैक्सिमम। वर्क करें, कोई भी दिक्कत है तो बताइए। ये कुछ क्वेश्चंस हमने पढ़े थे अभी तक, जो प्रॉपर्टीज पढ़ी उनसे रिलेटेड कुछ और भी प्रॉपर्टीज हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, सिक्स पढ़े थे अभी तक, इससे पहले सेवेंथ पढ़ेंगे, सेवेंथ फर्स्ट इंपॉर्टेंट है काफी, सेवन एट नाइन टेन इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट है सेवन। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, नोट कर लीजिए सभी लोग। कोई दिक्कत है, आवाज आ रही सभी को? यस यस सर। ठीक है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर होगा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। लेकिन इस वैल्यू के होने के लिए कंडीशन है, ये फॉर्मूला हम तभी लगाते हैं एक्स वाई दोनों ही पॉजिटिव हों, और इसको बराबर होने के लिए एक्स और वाई पॉजिटिव है, न्यूमरेटर तो पॉजिटिव हुआ है, डिनोमिनेटर ही पॉजिटिव, डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव होगा, एक्स वाई लेस देन वन, अगर एक्स वाई वन से छोटा होगा तो वन माइनस लेस देन वन पॉजिटिव हो जाए, और यही बराबर होगा पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। एक्स वाई दोनों ही केस में पॉजिटिव है, अगर निगेटिव होता है तो टाइन वर्स माइनस एक्स माइनस टाइन वर्स एक्स वाले फॉर्मूला कर सकते हो, एक निगेटिव हुआ तो उसका अलग फॉर्मूला है टाइन वर्स एक्स माइनस टाइन वर्स वाई का, एंड एक्स वाई ग्रेटर देन वन, डिनोमिनेटर अगर निगेटिव हो गया तो ये वैल्यू निगेटिव हो जाएगी, तो पाई प्लस उस केस में फॉर्मूला। ये दो केसेस है, नोट करिए tan inverse x plus tan inverse y। कैसे आया ये, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इसका देखते हैं। बेटा जी, ये जो tan inverse x है वो कोई एंगल a है b है अल्फा है ऐसे कुछ भी ले सकते हैं। बेटा जी, दिस इज a, एक्स पॉजिटिव हमने लिया है तो ए की वैल्यू कहां से कहां तक, जीरो से पाई बाई टू, एक्स वाई ग्रेटर देन जीरो की बात कर रहे हैं, निगेटिव के लिए बात नहीं हो रही। तो एक्स कितना हो जाएगा टेन, और ऐसे ही टेन वर्स एक्स वाई बराबर बी है, दोनों तरफ टेन लोगे तो टेन ऑफ टेन वर्स टेन ही होता है, तो वाई बराबर आ जाएगा टेन, और बी की वैल्यू क्या होगी जीरो से पाई बाई। ये किसका फॉर्मूला है, टेन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला अगर आप लगाओ, टेन ऑफ ए प्लस बी क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी अपान वन माइनस टेन ए टेन बी होता है। इसकी वैल्यू रखिए टेन ए की जगह एक्स टेन बी वाई अपान वन माइनस एक्स वाई। ओके, अब टेन को उधर नहीं ले जाएंगे, अब ऐसे लिखेंगे tan inverse दोनों तरफ, tan inverse tan of a plus b, दोनों तरफ tan inverse ले लीजिए, तो tan inverse x plus y upon 1 minus xy, तो ये लिखा ना tan inverse x plus y upon 1 minus xy, तो ये आता है tan a plus b वाले फॉर्मूले से, तो a 0 से pi by 2 है, b 0 से pi by 2, तो a plus b कितना होगा, a plus b हो गया 0 से pi, लेकिन tan वर्स tan x 0 से पाई हमेशा x नहीं होता। देखिए ध्यान से, tan वर्स tan x का ग्राफ ऐसे था, x था कब, माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू तक, उसके बाद ऐसे ग्राफ था, इसमें देखेंगे तो इस लाइन की क्वेश्चन x माइनस पाई पाई बाई टू से थ्री पाई बाई टू, tan थीटा माइनस tan थीटा होता है,
तो यहाँ दो केसेस बन रहे हैं. फर्स्ट केस इफ ए प्लस बी इज जीरो टू पाई बाय टू, अगर ए प्लस बी जीरो से पाई बाय टू होगा तब आप इसको ए प्लस बी ले सकते हो. देन ए प्लस बी बराबर टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपान वन माइनस एक्स वाई. अच्छा ए प्लस बी जीरो से पाई बाय टू हुआ, इसका मतलब क्या हुआ है? टेन ऑफ ए प्लस बी की वैल्यू पॉजिटिव, तो टेन ऑफ ए प्लस बी पॉजिटिव तो टेन इनवर्स ये वैल्यू पॉजिटिव, तो वन माइनस एक्स वाई पॉजिटिव हुआ, तो एक्स वाई क्या हो गया? लेस देन वन. यही कंडीशन लिखिए, क्योंकि एल एच एस पॉजिटिव है तो आर एच एस भी पॉजिटिव होना चाहिए. ए किसे एज्यूम किए थे? ए एज्यूम किए थे टेन इनवर्स एक्स को, बी लिखे थे टेन इनवर्स वाई को. तो यही फॉर्मूला आ गया, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू. लेकिन जब यही सेकेंड केस लेते हैं, ए प्लस बी पाई बाई टू से पाई लेते हैं, तो क्या होगा यहां पर? एक्स माइनस पाई, एक्स की जगह क्या है? ए प्लस बी. तो ये एल एच एस जो बनेगा ए प्लस बी माइनस पाई हो जाएगा. ए प्लस बी माइनस पाई बराबर टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपान वन माइनस एक्स आएगा. और अब देखिए ए प्लस बी पाई बाई टू से पाई हुआ, सेकेंड क्वाड्रेंट में टैन नेगेटिव होता तो एल एच एस नेगेटिव तो आर एच एस भी नेगेटिव होना चाहिए. तो एक्स वाई क्या हो गया यहां से? ग्रेटर है वन. तो ए की जगह लिखोगे टैन इनवर्स एक्स, बी की जगह लिखोगे टैन इनवर्स वाई, और पाई ले जाओ आर एच एस में तो पाई प्लस ऐसा आ जाएगा. ये लिखा है फॉर्मूला देखो, कोई डाउट है तो बताइए. नोट कर लीजिए, इसमें ये इस तरह से प्रूव किया, tan इनवर्स x plus tan इनवर्स y, tan इनवर्स x को a लिया, tan इनवर्स y को b लिया, tan a plus b का फॉर्म लगाया, दोनों तरफ tan इनवर्स लिया. अब a plus b, a 0 से pi by 2 था, b 0 से pi by 2 था, तो a plus b 0 से pi हो गया. तो दो केसेस बने, a plus b 0 से pi by 2 तो डायरेक्ट कैंसिल कर देंगे, पाई बाई टू से पाई होगा तो ए प्लस बी माइनस पाई, एक्स माइनस पाई बन जाएगा. ठीक है, ये प्रूफ है, लेकिन डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. अरे में प्रूफ करने की जरूरत नहीं होगी, कंडीशन के साथ फॉर्मूला याद रखें. कोई भी डाउट है तो बताइए. क्लियर?